SBI ने 44 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को दी चेतावनी, अगर किसी से शेयर की ये जानकारी तो खाली हो जाएगा अकाउंट। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सभी ग्राहकों को ट्वीट करके एक अलर्ट जारी किया है। भारतीय स्टेट बैंक समय समय पर अपने ग्राहकों को अलर्ट जारी कर बैंक के अपडेट और सुरक्षित रहने के बारे में अलर्ट जारी करता रहता है। इसी कड़ी में बैंक ने सभी ग्राहकों को ट्वीट कर कहा है कि KYC के नाम पर अपनी कोई भी पर्सनल जानकारी, मसलन आधार नंबर, पैन नंबर, CVV नंबर जैसी चीजें शेयर ना करें। बैंक ने ये चेतावनी भी जारी की है कि कोई भी ऐप डाउनलोड करने के नाम पर आपका कोई कॉल आए या मोबाइल नंबर एक्टिवेशन के लिए कहा जाए तो सावधान हो जाएं। भारतीय स्टेट बैंक के ट्वीट के मुताबिक बैंक किसी भी तरह के एक्टिवेशन या EKYC के लिए ग्राहकों से उनकी पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगता। SBI के मुताबिक ये नए तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड है जो मार्केट में कुछ लोग ग्राहकों से ठगी करने के लिए अलग अलग हथकंडा अपनाते हैं। 5 जनवरी तक के आंकड़ों के मुताबिक SBI के देश भर में करीब 44.89 करोड़ से ज्यादा ग्राहक मौजूद हैं। कैसा होता है बैंकिंग फ्रॉड? आज के डिजिटल दौर में साइबर ठग उन लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए मार्केट से डेटा इकट्ठा करते हैं। डेटा मिलने के बाद वो उनसे EKYC मोबाइल एक्टिवेशन जैसी चीजों के लिए कॉल करते हैं और उनसे उनकी पर्सनल जानकारी शेयर करने को कहते हैं। कई बार आपको इसके लिए मैसेज भेजा जाता है। इस मैसेज में एक लिंक होता है जिसमें आपको अपनी पर्सनल जानकारी भरने के लिए कहा जाता है। जैसे ही आप उसमें डेटा फीड करते हैं, आप ठगी के शिकार हो जाते हैं। SBI ने चेतावनी जारी करते हुए इनसे आगाह रहने को कहा है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।